लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्विस चीज इज राइपन्ड बाय. यहाँ पे बोल रहा है जो स्विस चीज होता है वो यहाँ पे कौन राइपन करता है. ऑप्शन ए इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई. ऑप्शन बी इज पेनिसिलियम रॉफबॉर्टाई. ऑप्शन सी इज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्विस चीज की. तो यहाँ पे स्विस चीज जो होता है इसकी यहाँ पे स्पेशलिटी होती है लार्ज होल्स. इसमें यहाँ पे लार्ज होल्स जो है वो हमें देखने को मिलता है. तो अगर हम लोग बात करें ये स्विस चीज की तो यहाँ पे इट इज राइपेंड बाय. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इट इज राइपेंड बाय अ बैक्टीरियम. और यहाँ पे जो बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम. इट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई. शर्मेनाई जो होता है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ द स्विस चीज. यहाँ पे ये बैक्टीरिया किस तरह से काम करता है. तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये यहाँ पे यूटिलाइज करता है. इट यूटिलाइजेज लैक्टिक एसिड. यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड जो है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करता है टू प्रोड्यूस प्रोपियोनिक एसिड. टू प्रोड्यूस प्रोपियोनिक एसिड एंड एंड CO2. तो यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है उसको यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है. ये जो CO2 होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज होल्स. दिस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज होल्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज होल्स इन द स्विस चीज. इन स्विस चीज में यहाँ पे जो लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है दिस CO2 विच इज रिलीज बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.